मैं तो सिंपल सी बात यही बोलूंगा कि व्हाई, सिंपल सी बात है कि अडाप्ट करना शुरू कर लो, जैसे पबजी को शुरू में लोगों ने अडाप्ट किया था, एंड नाउ यू सी वेयर दे आर, वेयर वी आर। एंड हाय संगीता, तो अडाप्ट कर लोगे नई गेम्स को जल्दी जल्दी, उसमें नया नया कुछ करना शुरू कर दोगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा, और वरना बाद में एक साल बाद, जब तक 6 महीने बाद पबजी नहीं आया, तो सीओडी में लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाय मांबा, फिर उसमें जाके अंडरडॉग या नेपोटिज्म की बातें करना वो ठीक नहीं रहेगा ना। केतन और रोशन का रूट अच्छा था, ब्लॉक करके कंटेंट में अच्छा इन्वेस्ट किया टाइम इन्फो। यस, बीपीएल लगा के खेलने का कोई सेंस नहीं है ना गाइस, क्या फायदा। हेलो, हेलो, व्हाट्सअप। कंटेंट इज द वे फॉरवर्ड गेम कोई भी। एब्सोल्युटली मोहित भाई, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। देखो मांबा 1 साल से चिल्ला रहा था कि हमको नहीं आना कॉम्पिटिटिव में, आप लोग मजाक उड़ाते थे, आप लोग कुछ कुछ बोलते थे। अब हो देखो गया भाई, सब कुछ उसका सेट हो ब्लॉग गया। या उसकी एसेट बन गया, अब आप लोग उसके ब्लॉग के लिए वेट करेंगे और एक्साइटमेंट के साथ। क्यों और मांबो, हाँ, मुझे तो ये लगता है कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इतना ज्यादा झटका नहीं है। जो सही में कंटेंट बनाते थे, जो झटका है वो शायद 2 मास्टर्स के लिए, एक तो हार्डकोर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स के लिए करेक्ट। और जो नॉर्मल जनता है, क्योंकि वो लोग अपना नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ खेल के जो अपना टाइम पास करते थे, करेक्ट उन लोगों के लिए ज्यादा करेक्ट। एंड है। व्हाट खैर, ये अबाउट तो 8-bit एज एन ऑर्ग? 8-bit एज एन ऑर्ग, 8-bit तो सब उसमें शायद ऐड मुझे कर लगता है, लोगे कि हाँ 8-bit एज एन ऑर्ग तो मुझे लगता है इंडिया में वन ऑफ दी वेरी फ्यू ऑर्ग है जो एब्सोल्युटली पबजी के अलावा और हर हर गेम में है। एब्सोल्युटली लाइक क्लैश रॉयल, ब्रॉल स्टार्स, फ्री फायर, सीओसी, वी आर ऑलरेडी इनटू दैट। एंड वी आर, जो जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा हम लोग उसमें टॉप पे हैं। बहुत कम ही लोग हैं वैसे यहाँ पे तो, और होपफुली बाय दी मिड ऑफ दिस मंथ हम लोग कंसोल का लाइनअप, दैट इज फॉर फीफा, एंड पीसी का, दैट इज फॉर वैलोरेंट, प्रॉपर लाइनअप अनाउंस कर देंगे 100%। तो ई स्पोर्ट्स तो इंडिया में अभी शुरू है, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं चैट में, दे नो बेटर। राहुल भाई है, राहुल भाई थे, मोहित भाई थे, और आप मामा, क्या चीज, आप मतलब अभी जैसे पबजी नहीं खेलोगे, वैसे भी आप पबजी तो 1 घंटा खेलते थे, 2 घंटा तो बकचोदी करते थे, अब वो 1 घंटा क्या करोगे? भाई मैं तो मुझे तो ये था कि भाई मुझे तो ज्यादा उससे फर्क ही नहीं पड़ता था कि पबजी से इतना नहीं पड़ता था। अपन तो सारा खेलते नहीं थे, ऑफलाइन भी वैलो वैलो सब कुछ खेलते थे। मैं तो वैलो में अच्छा होने की कोशिश ही इसलिए कर रहा था ताकि उसको यूट्यूब पे लेकर आऊं, बिल्कुल नूब स्टेट में नहीं लाना चाहता था यूट्यूब पे। तो फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहे भाई। भाई हो गया यार, अब और खेलेंगे यार, धीरे धीरे होगा। पहले हाथ बहुत सेट था मेरा पीसी पे, अब नहीं है इतना, मैं 4-5 साल क्या से बोलता हूँ मामा, छूट जैसे फेस कैम तुम्हारे पास है ही, तो कभी फेस कैम को जैसे सामने लगा के टेबल पे की तरफ फोकस गया। करके लाइव चेस, लाइव लूडो ये सब खेलो तो कैसा लगेगा? भाई उसका तो है ही है यार, अगर जनता को मजा है भाई। लूडो इज लाइक, लूडो का क्रेज याद है, मोबाइल लूडो वाला भाई, गलत। जन कितने लोग लूडो खेल लेते एक टाइम में भाई, गलत पागल थे भाई। एक बार इंटरेस्ट लोगों का आ जाए, लोग इस वाले फेज से निकल जाए कि पबजी इज गेमिंग, पबजी इज नॉट गेमिंग भाई। भाई जो मैं तो आप इसलिए खेल रहे हो खेलता फ्री था। फायर धंधा है, फ्री फायर में हम लोग ऑलरेडी 3 महीने से है, थोड़ा जागो मोहन प्यारे, पबजी से बाहर आए हो, अभी अच्छी जिंदगी जीना शुरू करो। अब प्रॉब्लम ये है ना कि अभी कीबोर्ड वॉरियर्स तो आप लोग बहुत दिन कर लिया आपने, कीबोर्ड कीबोर्ड के साथ वॉर, और फिर शाम को जो है पबजी खेलते थे, 2 घंटे इधर उधर की पॉलिटिक्स कर लेते थे अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ, कोई आपको अननोन कुछ बोल देता। और सांगवान
क्या हाल क्या हाल? बहुत बढ़िया। इसको ले जाइए यार, इसका वैसे भी काम है। इसके में यार इतना मिस किया इसने, एक सेकंड के लिए भी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जबरदस्ती है, थोपे जा रहे हैं मेसी। अब तो प्यार दिखाएगी ही, अब तो दिखेगा ही भाई। हेलो साफ कहां लगोगे अब? हम साफ बनेंगे फ्री फायर। रेगा को बुलाइए, हां रेगा को बुला दो, फ्री का एक चल रहा था, हो रहा था। ब्लेजी ब्लेजी किधर है? ब्लेजी किधर है मामा? ब्लेजी किधर है? ब्लेजी ब्लेजी सो रहा है, पूरा दिन सोता ही है क्या? वो पढ़ाई कर रहा था दादा। वो एक ही लड़का है जिसको इम्प्रेस, जिसके वो देख के लोग को सीखना चाहिए सब। 11 बजता है तो बेड पे लेटता है तो लेटता ही, और सुबह 8 बजे उठ के पढ़ता है। तुम भोसड़ी के अपना बताओ, तुम्हारा करियर का क्या होगा? इधर आओ, इधर आओ, 6 बजे सुबह जो है खेलते थे रात भर, अब क्या करोगे भाई? असल पीएमसीओ ग्राइंड की तो एल यहाँ लगे। अब क्या करोगे रात भर? वो तो अच्छा हुआ कि बंद हो गया, नहीं तो फिर क्या हालत होता इन लोग का। नहीं बस हालत तो मैं करने वाला था, इतने में अच्छा हुआ तुम्हारा हो गया। हेलो 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 दादा, हाउ आर यू? फाइन, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, कंट्री के लिए खराब लग रहा है, बाकी तो ठीक है। अभी साला 4 दिन पहले गाड़ी वाड़ी खोला था। अरे कोई ना, कुछ नया लेके आ जाए मार्केट में। सही हुआ बंद, ये देखियो मामा लॉन्डे लिख रहे, अच्छा हुआ बंद हो गया। मैं भी बोलता हूँ भाई, मैं भी बोलता हूँ बंद हुआ, अच्छा हुआ भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पबजी वॉज गेमिंग सबके लिए, और पबजी इज नॉट गेमिंग भाई, सिर्फ पबजी नहीं भाई, हम भी इसलिए भाई, गलती हमारी भी है भाई, क्रिएटर्स की, हमने भी नहीं दिखाया उनको कुछ। एब्सोल्युटली पबजी भाई जब यूट्यूब पे आना शुरू हुआ तभी तो लोग पबजी पे फिर बहुत फुल फ्लेज आए। अरे तिवारी तू क्या करेगा बता ना, तू भी एक टिपिकल पिकाचू ही तो है इधर। हाँ बोलो बोलो, तू क्या करेगा अब थोड़ा बता ताकि लोग भी इंस्पायर हो। तो कर देंगे। हम्म, क्या चीज, तू क्या करा करेगा अब? हम कुछ नहीं, बैठे रहेंगे, सीओडी ओडी कुछ पकड़ लेंगे अलग से, कोई और गेम पकड़ लेंगे। ये तो साले अपना वो डुगो वो जो है वो नहीं करेंगे मामबा पूरा, इसने मुझे लग रहा अभी डाउनलोड करा लिया होगा। क्या सीओडी डाउनलोड करा लिया क्या? पक्की बात है, पक्की बात है। फ्री फायर हो गया क्या? नो, फ्री फायर कर लिया भाई आराम दादा। वो देख जी से राहुल भाई क्या बोल रहे हैं, पढ़ो मामबा क्या बोल रहे हैं। राहुल भाई बोलते हैं मामबा भाई ब्लॉगिंग सिखा दो, धंधा बंद हो गया। भाई धंधा कुछ बंद नहीं हुआ भाई, जी वाले बोल रहे, जी वाले भी तो भाई बहुत सारे गेम्स में है भाई, जी वाले मैंने वन ऑफ द फ्यू बोला था तो मेरे दिमाग में जी भी था उस वक्त फ्यू में। yes. तो मतलब सही है यार, मतलब अब दिस इज एन आई ओपनर टाइम फॉर मतलब यूट्यूब गेमिंग, इंडियन गेमिंग, हर चीज के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैच्योर और जो सिंसियर और जो मतलब जो क्रीम नीच टाइप के जो ऑडियंस होते थे ना, जो गेम को देखना पसंद करते हैं रादर देन यू नो आके उल्टा सीधा बकवास करना ये सब करना, आई थिंक दैट इज दैट विल बी मोर प्रेवेलेंट। क्यों? ट्रू 100% भाई। आयान शेख भाई आप अपनी संभालो, हम लोगों की तो ऐसी है कि आपके 4-5 खानदान जो है उनको बिठा के खिला देंगे, कोई टेंशन नहीं। हम लोग की तो चुके भाई। हेलो आयान भाई, खैरियत? संभालो आयान भाई, और कुछ को नौकरी वोकरी चाहिए तो बताना भाई। आप लोगों की भी तो खराब हो गई भाई, आप लोगों को तो सिर्फ पबजी समझ में आता था स्ट्रीम देखने में, अब क्या समझ में आएगा? हालत ये है कि वैलोरेंट खेल लेते तो लोग पूछ रहे थे ये कौन सा गेम है। नहीं नहीं वैलोरेंट खेल रहे थे तो बोल रहे थे ये मोबाइल पे कौन से ऐप स्टोर में है, ऐप स्टोर में दिख नहीं रही, काउट को बोल रहे थे चैट में, ये हालात है लॉन्डे के। वो नहीं पा रहा लड़कों, ये है कि आप लोगों की चुन गई। तो भाई थोड़ा दो सैवेज आदमी है, थोड़ा हिसाब से बोलो, गलत बात मत करो। आपको अगर चाहिए तो वहां पे हमारे गेमिंग हाउस में, अभी वो छोटू वोटू नहीं आ रहा ना सुबह का मेड वेड? नहीं, देखो जरा बात करो उन भाई से, जरा डीएम डाल देना मामा भाई को या हमारे तिवारी भाई को, आपको
इंटरव्यू लेके रख लेंगे। मामा कुछ अपने शब्द दो शब्द कहो, जैसे आज 12 बजे स्ट्रीम लाइव जाओगे तो क्या करोगे? साढ़े मैं 12 बजे स्ट्रीम पे मतलब लाइव जाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत थक गया यार। मेरी उंगलियां बिल्कुल थक सी गई हैं। कॉम्पिटिटिव बहुत बढ़िया दिवाल भाई, आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो? कॉम्पिटिटिव आज क्या करोगे? आज तो चलो कल तक तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान आउट कर लेंगे, आज क्या करोगे? मॉर्टल डिटेल्स गुड वैलोरेंट मॉर्टल से बातचीत तो रह गया, बहुत टाइम से जनता बातचीत मांग रही है स्ट्रीम पे। शॉर्ट बातचीत स्ट्रीम, वो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं होगा ना? वैलोरेंट स्ट्रीम करो मांबा भाई, लिखते हैं एक में भी वो नहीं है तभी ऐसा रखा। डिलन आपके लिए भी खराब रखा, आपको चैट पर रेगुलर देखते थे हम लोग एकाकी, बट अभी भी दिखना है, अभी दूसरी गेम्स खेलेंगे ठीक है। एक लिखते हैं इलेक्शन आ रहे दो फिर बताएंगे, हालात देख लो हमारे देश में, इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन से क्या होगा फिर बताएंगे बोलते हैं, ये हालात देख लो। ई-स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, ये अच्छी बात करी ना आपने। ई-स्पोर्ट्स के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि 95-98% यस जी एमिनेंस भी करते हैं स्ट्रीम, उनकी आप चैनल पे जाके लिंक इन द बायो मिल जाएगा। तो ई-स्पोर्ट्स 98% ऑडियंस के लिए सिर्फ पबजी मोबाइल था इंडिया के अंदर, एम आई राइट भाई? भाई देखिए सबसे मैंने एज अ गेमर जो चीज हमेशा से वो करी है, बड़े बड़े लोग चैट में कैसे, ऋषि भाई भी इज आल्सो हियर, सब परेशान हाल, सारे सारी सारे परेशान हाल लोग एक जगह जमा हो गए। डॉक्टर रुशिंद्र फ्रॉम जी इज हियर, कोई बात नहीं, हमारा दर्द आपका दर्द सेम है, बट वील क्लोज दिस टुगेदर। ऑफिशियल एंटीडोट भी आया, ये सबसे ज्यादा खुश होगा, क्यों दादा आप तो बहुत खुश होंगे, बोले अब बैलो में आएंगे सारे ये पबजी मोबाइल वाले सीखने, हमको खिलाओ हमको सिखाओ ना दादा। हाउ डू वी, अरे स्पोर्ट्स विल बी अलाइव इन इंडिया, व्हाट आर यू अप टू उज्जवल ब्रो, डोंट वरी, स्पोर्ट्स की अभी शुरुआत हुई है, यू गाइस अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस बिगेस्ट अचीव इन द। धन्यवाद रिशु भाई, मैं मुझे ऐसा लगता है ई-स्पोर्ट्स जो है सिर्फ पबजी इसलिए नहीं होता क्योंकि पबजी के अलावा किसी और मोबाइल गेम ने फुर्सत से इंडिया में पैसा ही नहीं लगाया, पबजी जितना पैसा लगाता है अब होगा ना भाई, अभी तक इसलिए पबजी था क्योंकि वही पैसा लगा रहा था मार्केट में, इंडियन मार्केट। रुशिंद्र भाई को वैलोरेंट में ऐड कर लेना, इनको वेब स्ट्रीम पे खेलेगा रुशिंद्र भाई को, डॉक्टर रुशिंद्र। अच्छा हां पक्का, डन डन डन। एंटीडोट भाई मेरे को मत तुम देख लेना, वो ऐसे वो मत करने लगा कि अभी लाइन लगी हुई है बड़े बड़े प्लेयर्स की, आपको बाद में देखेंगे, मेरे को आप देखो, आई वाज अ ट्रू सपोर्टर ऑफ यू व्हेन यू नो, तो शुरुआत से तो थोड़ा संभाल लेना है। एमिनेंस सर हैं या नहीं है? आई डोंट, यहाँ होनी चाहिए चैट में, तो होनी चाहिए और चैट में नहीं है ऐसे तो। एमिनेंस सर बिग फैन, उनको मैं सर बोलता हूँ, कहते हैं सर मत बोला करो मुझे। अरे उनका व्लॉगिंग व्लॉगिंग का पूरा एकदम, कल बैठ के उनको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है। यस मैं दूं, विल बी ऑन इट ब्रदर, अनफॉर्चूनेटली अभी तेरे साथ मीटिंग थी बड़ी बड़ी चीजों को लेके, बट अभी तो हम लोगों का ही कुछ प्लान डाइवर्जन की तरफ होगा। क्या वो क्या कह रहे हैं, उनको व्लॉगिंग के टिप्स चाहिए? भाई उनके पास इतना बड़ा बीओ नहीं, क्या बातें मिला लो उनसे बस। अभी फिर वही बात, अभी क्या है हमारे पास भी इतना बड़ा मॉडल है, बट काम तो अपने लोग ही आते हैं ना एंड ऑफ द डे, बहले होते हैं मुझे लगता है, जो नंबर्स होते हैं ना वैसे ही। यस पबजी बेटा, अब तेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो जरा, छोड़ो इंस्टा विंस्टा, अब क्लिप्स क्लिप्स। आज इंडिया की सारी वो मदर्स को चिकन डिनर मिला एक साथ भाई, सो बम। आज ऐसे कितने कितने लोगों की मदर्स ने आगे बोला कि रेगा अपना रेगा है ना, कितने लोगों की मदर्स ने आगे बोला बेटा आज पबजी नहीं खेल रहा, क्या बात, उनको पता होते हुए भी कि बैन हो गया, सरकास्टिकली चैट में बताना कितने लोगों ने बोला।
क्योंकि मेरे को ऐसा हुआ कि ऐसा कभी मेरे फैमिली में तो आज तक किसी ने पूछा नहीं व्हाट डू आई डू और व्हाट आई डोंट, बट मेरी फैमिली में से आज आगे किसी ने मुझे बोला बट खेल नहीं रहे, मैंने बोला अरे बाप रे मैं वैसा कौन सा बहुत खेलता था। देखा मेरी मॉम ने बोला मी 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 सी ऑल इंडियन टिपिकल मॉम्स आर सेम थिंग व्हेन वी मीटिंग वेरी सून उज्जवल वेरी सून I'll have to figure out for a couple of days. I'll be super busy. But we'll be definitely meeting very soon, buddy. अरे इसमें ऐसा कोई लोचा नहीं है क्योंकि भाई जितने भी लड़के हैं वो सब अपना दिन का कुछ टाइम जो है पबजी में दे देते हैं, पबजी की जगह किसी और गेम में देंगे तो उन लोगों को फिर वो गेम भी देखना अच्छा लगेगा। ऐसी ट्रेंड मूव ऐसी तो होता है कौन सा। और इसमें कैसा है ना कि आई डोंट थिंक कि हाँ हो सकता है दिस बैन माइट नॉट बी वेरी लॉन्ग टाइम, ये इट कुड बी अ शॉर्ट टाइम बैन, बट लेट्स यू नो कंसीडर दिस एज अ लॉन्ग टाइम बैन ओनली एंड थिंक अबाउट इट। और इवन इफ इट कम्स बैक आई विल सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि एम्ब्रेस योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट आगे के लिए भी। क्यों अगर मैं कहता हूँ कि अगर अनबैन नहीं भी हुआ और जितने टाइम लगेगा मान लिया